हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास हेयर। तो हम दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं और हम रिवाइज करेंगे। कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी थी करंट अफेयर्स के बारे में। सी, चाहे आप जितने करंट अफेयर्स पढ़ लो, PT 365 पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि आप करंट अफेयर्स पढ़ते कैसे हो। सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मंथली मैगजीन बनती है, कंपाइलेशन आता है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कॉपी पेस्टेड रहता है। UPSC में ये सारी चीज़ें नहीं पूछती। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है अपने हर अटेम्प्ट में। पहले अटेम्प्ट में ज़्यादातर दिक्कत होती है, फोमो होता है कि कहीं यहाँ से ना आ जाए, कहीं वहाँ से ना आ जाए। तो उसके चक्कर में क्या होता है ना कि हम सारी चीज़ें पढ़ने लगते हैं। जब आप सारी चीज़ें पढ़ते हो तो डिफ़िकल्ट हो जाता है सब कुछ रिवाइज़ करना, रिकॉल करना, याद करना, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। उसकी वजह से आपके सवाल गलत होते तो आप और फ्रस्ट्रेट होते हो। वही करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट में पूछते हैं तो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट में पूछ रहा है। सी, मॉक टेस्ट में 4000 क्वेश्चन बनाने होते हैं, इसीलिए वो डिटेल में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं। UPSC के करंट अफेयर्स बहुत सिंपल आते हैं। पहली चीज़, जो डिटेल में आते हैं वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ होती है, और जो रैंडम पूछते हैं ना, वो आप कहीं से भी पढ़ लो, वो नहीं होते। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो कहीं एकाध क्वेश्चन आ गए तो इनपुट आउटपुट रेशो बहुत ख़राब होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पहले अटेम्प्ट में मैं भी सारी चीज़ें पढ़ता था, लेकिन वो वेस्ट ऑफ रिसोर्स होता है, उससे और दिक्कत ही होती है, कॉन्फिडेंस लो होता है। तीसरे चौथे अटेम्प्ट में मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत ज़रूरी होता है कि आप प्रायोरिटाइज़ करो। तो मैंने PYQs किए हैं, आप लोगों को पता ही है, 10 साल का रटे हुए हैं, कहाँ से कैसे क्या पूछते हैं। तो हर चीज़ मैं उस हिसाब से बताता चलूँगा कि कैसे वो पूछते हैं और कैसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं तीसरे नंबर से। तो क्या कह रहा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो पढ़ते हैं। सबसे ज़रूरी होता है कि आप इसको पढ़िए। अगर आप इसको पढ़ते हैं ना, आपको क्लैरिटी आ जाती है। क्या कह रहा है, रिसेंटली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020 वाज रिलीज। तो क्या कह रहा है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज फ्रॉम 55.2 टू 57.9। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंक्रीज़ हुआ है, मतलब पॉजिटिव में है कि इंक्रीज़ हुआ है। मेल का 78% है, फीमेल का 37%, मतलब हाफ से भी कम है। एक तरीके से देखा जाए तो हाफ से भी कम है, फीमेल जो है वो मेल से हाफ से कम है। तो दो चीज़ हमने देख लिया। अभी कौन लॉन्च करता है, लॉन्च बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO 2017 से ये लॉन्च करता है। तो ये चीज़ आपको फैक्ट पता होना चाहिए। अगर हम फाइंडिंग के बारे में देखें तो सब कुछ पॉजिटिव है। अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें, रूरल में, अर्बन में, मेल फीमेल, सब पॉजिटिव है, सब ग्रीन है। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्रीज़ हुआ, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव है। तो अगर UPSC कोई स्टेटमेंट दे रहा है निगेटिव में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है। दो कीवर्ड देखते हैं यहाँ पे, करंट वीकली स्टेटस क्या होता है, फॉर द अर्बन एरियाज ओनली। यस, फॉर द अर्बन एरियाज ओनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो वीकली स्टेटस होता है, इंटरवल ऑफ 3 मंथ। देन यूजुअल स्टेटस क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू द रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये दोनों जगह का चेक करता है। तो ये चीज़ें हमने देख लिया। ओनली वाला थोड़ा एक्सेप्शन ध्यान से आप देख लिया करो, हाईलाइट कर लिया करो। अब इसके हम थोड़ी सी मीनिंग समझते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। तो रेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। परसेंटेज ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स वर्किंग और सीकिंग, मतलब काम जो कर रहे हैं या आप करना चाह रहे हो लेकिन आपको काम मिल नहीं रहा है, दोनों को यहाँ पे काउंट करते हैं फॉर द वर्क ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो ये चेक करते हैं परसेंटेज ऑफ द लेबर फोर्स जो काम कर रहे हैं और करना चाहते हैं कंपेरिजन टू द पॉपुलेशन। देन अगेन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन जिनको काम मिला है इन द पॉपुलेशन, तो इसका मतलब होता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग द पर्सन इन लेबर फोर्स, लेबर फोर्स इट इज़ नॉट पॉपुलेशन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कीवर्ड UPSC चेंज कर देता है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसके डेफिनेशन जानो, ये तीनों का मतलब क्या होता है। यूजुअल स्टेटस जो होता है वो 365 दिन का देखता है, वीकली स्टेटस जो होता है वो 7 दिन का होता है। तो UPSC इससे बोलेगा कि यूजुअल स्टेटस और करंट वीकली स्टेटस इज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे करके 4 स्टेटमेंट देगा। तो आपको पता होना चाहिए दैट इज रिलेटेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट, बस आपका काम हो गया। अब जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि जो सेल्फ वाले एम्प्लॉय हैं, खुद से जो काम करते हैं, अपना काम खुद का चला रहे हो, मोर देन 50% इंडिया में, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऐसे स्टेटमेंट बना देता है। मेल सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो हैं वो 2.8 टाइम्स ज़्यादा हैं वुमेन से, तो वही गैप के बारे में बात कर रहे हैं। और जो रूरल पार्टिसिपेशन है वुमेन का, वो भी इंक्रीज हुआ है। तो सब कुछ पॉजिटिव में है, सब शुभ शुभ है। तो इतना आपके दिमाग में है तो आपका काम हो गया। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स वुमेन इन लेबर फोर्स, तो द सर्विसिंग रिस्क बैंक, क्या बोल रहे हैं यार, रिस्क बैंक्स प्राइज इकोनॉमिक साइंसेस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल हैज़ बीन अवार्डेड टू क्लॉडिया गोल्डिन। किसको दिया गया, क्लॉडिया
गोल्डन, गोल्डन मसाला से याद कर लो, एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग वुमेन लेबर फोर मार्केट आउटकम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस लिए दिया गया, स्टेट की अगर आप तैयारी करते हो तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, और किस लिए दिया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन लेबर मार्केट आउटकम। तो ये आपकी करंट चीज़ हो गई जो करंट का है। अभी नोबेल प्राइज़ के बारे में थोड़ा स्टैटिक दे दिया, ऑल्दो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी क्या है ना कि थोड़े से स्पोर्ट में घुस गए लास्ट ईयर, तो क्या पता नोबेल में घुस जाए, लेकिन इतना नहीं घुसेंगे। मुझे पढ़ना हो तो मैं बिल्कुल ना पढ़ूँ, लेकिन थोड़ा आपको फोमो क्रिएट होता होगा तो पढ़ा देता हूँ। तो क्या है नोबेल प्राइज़, इट इज़ एन इंटरनेशनल अवार्ड एडमिनिस्ट्रेट बाय द नोबेल फाउंडेशन इन स्टॉक स्वीडन एंड बेस्ड ऑन द लास्ट विल ऑफ द अल्फ्रेड नोबेल जो थे इन 1895। तो कब से शुरू हुआ था, 1901 में अवार्ड किया जाता था 5 कैटेगरी में, लेकिन 6 अवार्ड शुरू किया गया था इकोनॉमिक्स का, कब, 1968 में बाय द रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन एंड वॉज फर्स्ट अवार्डेड इन 1969। तो पहले 5 थे, 1901 से शुरू हुआ था, स्टेट पीसीएस वाले ध्यान दें, और जो इकोनॉमिक्स का वो 6 ऐड हुआ है, तो अभी टोटल 6 है। अभी कौन किसको अवार्ड देता है ये थोड़ा सा देख लेना, हम इकोनॉमिक्स का देख लेते हैं। यहाँ पे द रॉयल स्वीडिश एकेडमिक साइंस अवार्ड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स को, ये तीन को ये देता है कौन, रॉयल स्वीडिश ऑफ एकेडमिक ऑफ साइंस। प्राइज इन लिटरेचर कौन देता है, स्वीडिश एकेडमी ऑफ स्टॉकहोम स्वीडन। इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक नज़र आपको देखना है। नोबेल असेंबली फॉर कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, तो ये मेडिसिन में देता है। फिर नॉर्वेजियन जो नोबेल होता है बाय नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, किसको देता है, पीस वाला। तो पीस वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पार्लियामेंट से रिलेटेड है, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, बस इतना है। अब क्या फैक्टर पार्टिसिपेशन है, क्या चीज़ें हैं, इवोल्यूशन कैसा है, ये सब मेंस की चीज़ें, ऐसे की चीज़ें हैं, अगर आपका इकोनॉमिक ऑप्शनल है तो देख लो, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अब मेजर क्या लिया गया है, जेंडर गैप को रिड्यूस करने के लिए इंडिया में। कीवर्ड आप समझ लेना, पॉजिटिव, जब भी वुमेन वगैरह के बारे में पूछता है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा सही होते हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो एक अमेंडमेंट आया था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, फैक्ट है, 26 वीक तक इन्होंने दे दिया मैटरनिटी लीव कि आप 26 सप्ताह तक छुट्टी ले सकते हो, और क्रच फैसिलिटी भी इन्होंने मैंडेटरी कर दी है, 4 है शायद, क्योंकि ये 2019 में पूछा था कि क्रच फैसिलिटी 6 है, 6 नहीं था, 4 था। अगर वो स्टेटमेंट आप रिमूव करते आप सीधे आंसर पे आ जाते, गो एंड चेक PYQs 2019, इसीलिए फैक्ट थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है। कोड वेज एक्ट है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, तो पॉजिटिव चीज़ है ना यार, जब भी पॉजिटिव स्टेटमेंट देखना करंट अफेयर्स में या कुछ भी रिलेटेड तो हमेशा सही होती है। गिग इकॉनमी के बारे में बात करते हैं, सेवरल इशूज़ हैज़ बीन, तो ये कोई न्यूज़ नहीं है, सेवरल इशूज़ हैज़ बीन सीन इन रिसेंट पास्ट अमंग द गिग वर्कर बाय ब्लिंकिट वर्कर प्रोटेस्ट जोमेटो स्विगी, ये आप मेरे को बताओ कोई न्यूज़ है, नहीं है न्यूज़, ये बस फर्जी का कचरा बना दिया। थोड़ा सा आप जानते हो गिग वर्कर क्या होते हैं, जैसे स्विगी वाले पार्ट मतलब आते हैं अपना काम किया चले गए, या ओला उबर हो गए, दैट इज़ गिग वर्कर। तो थोड़ा सा देख लेना इनके लिए क्या क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, क्या क्या वेजेस या कोड वगैरह रिलेटेड है। तो द कोड ऑफ वेजेस 2019 में आया था, उसमें यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस की बात की गई इंक्लूडिंग गिग वर्कर, तो यस इनको थोड़ा सा इंक्लूड किया गया, पॉजिटिव है। और जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया था उन्होंने डिफाइन किया है कि गिग वर्कर क्या है, तो अगर आ गया कि गिग वर्कर डिफाइन नहीं है तो गलत है, डिफाइन है किसमें, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। क्या डिफाइन है वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है, वो नहीं पूछेंगे कि क्या बोलते हैं इनको, उनका बस कंसर्न ये है कि डिफाइन या नहीं, क्योंकि ऐसे जनरली UPSC पूछता है। अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं एक बारी। द स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर फोर्स टेक्सटाइल स्किल मिनिस्टर हैज़ आस्क्ड, अभी पूछा है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं बनती, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट टू फॉर्मुलेट इंप्लीमेंट वेलफेयर स्कीम फॉर गिग वर्कर इन इंडिया, स्कीम का नाम होता तो हम देख लेते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, तो कचरा है, कॉपी पेस्ट कचरा है। G20 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मीटिंग में एक आउटकम निकल के आया था, ये थोड़ा याद कर लेना, सस्टेनेबल सोशल प्रोटेक्शन फॉर गिग प्लेटफॉर्म वर्कर, ये शायद इसका डॉक्यूमेंट का नाम था। स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, राजस्थान पहला गवर्नमेंट बनी जिन्होंने बिल पास किया, राजस्थान, तो UPSC 3 स्टेटमेंट देगा, उसमें डाल देगा कि मध्य प्रदेश रिसेंटली उसने स्टार्ट किया, नो इट इज़ राजस्थान, तो ये फैक्ट याद रख लेना। अब आते हैं बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो कह रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यूज्ड ICRR टू एब्जॉर्ब सरप्लस लिक्विडिटी इन सिस्टम, फर्दर ICCR डिसकॉन्टिन्यूड इन फेज मैनर एज ए लिक्विडिटी सिचुएशन। तो ये ICRR क्या है, ये है इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो,
क्या होता है हम डिस्कस में अभी डिस्कशन में देखते हैं। तो कैश रिजर्व रेशियो तो आपको पता ही होगा कि कुछ अमाउंट मनी आरबीआई के पास सबमिट करना होता है, लेट से 100 करोड़ है बैंक के पास, उसको 4 करोड़ 4% अगर है तो बैंक के पास जमा करना पड़ेगा। किस लिए होता है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब रेगुलेट करते हैं, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो ज़्यादा कर देते हैं, CRR बढ़ा देते हैं, तो मनी सप्लाई कम हो जाता है मार्केट में, इसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाती है। तो उनकी अपनी एक्टिविटीज़ होती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी क्या होता है, टोटल कितना पैसा है बैंक के पास, कि 100 करोड़ है आपके पास, उसमें से 4 करोड़ आपको CRR देना है, 10 करोड़ आपको SLR देना है, परसेंटेज के हिसाब से होता है। तो वो क्या है, अभी एक चीज़ इसमें आप देख लो जो इम्पॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम के लिए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो तो आप बेसिक चीज़ें आपको पता ही है। एज़ पर RBI एक्ट 1934, ऑल शेड्यूल कमर्शियल बैंक दैट इंक्लूड्स पब्लिक प्लस प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, RRB यहाँ भी आता है, कोऑपरेटिव बैंक भी आते हैं, जिनको मेंटेन करना है कैश रिजर्व रेशियो, वो कैश रिजर्व रेशियो उनको मतलब 4% 3% जो भी RBI बोलती है वो उनको सबमिट ही करना है वहाँ पे। दे डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट, और इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो फैक्ट है, प्राइवेट बैंक भी हैं, पब्लिक बैंक भी है, फॉरेन बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है, इसी के अंडर आते हैं, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, इनको मेंटेन करना है CRR और मनी विद RBI, RBI के सबमिट करते हैं, ऐसा नहीं कि ये खुद ही रख लेते हैं, इसको RBI को देना पड़ता है और कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। अब बात करते हैं कि ये क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो। तो हाउ ICRR इज अप्लाइड अलॉन्ग विद द CRR। तो CRR क्या है, मान लो आपके पास 100 करोड़ रुपये, 4.5% लगाए कि CRR जमा करना है, तो टोटल कितना हो गया, 4.5 करोड़। अब क्या है दूसरा देखते हैं, कि लेट से आपका 50 करोड़ इंक्रीज हो गया, तो उसी को बोलते हैं इंक्रीमेंटल, पहले 100 था अभी आपके पास 150 हो गया, तो 150 पे 4.5% लगेगा, 4.5% जो यहाँ पे लगता था, तो कितना हो गया, 6.7 करोड़। लेकिन अभी जो 50 करोड़ इंक्रीज हुआ है ना पहले से, उस पर इन्होंने 10% लगा दिया, तो ये इसी 50 करोड़ पे 10% लगेगा, तो इसका 5 करोड़ हो गया। तो इधर पहले टोटल का 4.5%, फिर जो बढ़ा है उस पर उन्होंने बढ़ा के लगा दिया, 10% लगा दिया, तो इसका 5 करोड़, तो टोटल डिपॉजिट हो गया 11.7। तो दिस इज इंक्रीमेंटेड, इसी को बोलते हैं, और यही न्यूज़ में थी, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इकोनॉमिक्स में ऐसी ही चीज़ें पूछते हैं। अलग टूल्स क्या हैं जिसे मैनेज करती है RBI, तो एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, उसमें क्या होता है कि अलाउ करती है RBI को कि एब्जॉर्ब लिक्विडिटी डिपॉजिट फ्रॉम द बैंक्स विदाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो यहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, कोविड के टाइम आया था तो इसको यूज़ करके वो इन्फ्लेशन मनी सप्लाई मार्केट में कंट्रोल कर सकते हैं। फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आपको पता ही है, दिस इज़ क्वान्टिटेटिव मेजर। देन ओपन मार्केट ऑपरेशन, सिक्योरिटी सेल करती है, बाय करती है RBI ईकोबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू। देन वे एंड मीन्स एडवांसेस, तो ये टेम्परेरी लोन फैसिलिटी होता है कि इसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, आई थिंक दिस इज बिलो 90 डेज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट चेक। तो ये भी एक तरीका, UPSC कह रहा है कि वे एंड मीन्स एडवांसेस क्या है, तो ये भी एक मैथड है, ये भी एक मैथड है, इट इज़ ए टेम्परेरी लोन फैसिलिटी टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब ये देखते हैं सरप्लस ट्रांसफर बाई RBI। तो रिसेंटली RBI ने क्या किया है कि 87,000 करोड़ रुपये सरप्लस ट्रांसफ़र किया है यूनियन गवर्नमेंट को। तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि RBI इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स, इनको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सरप्लस पैसा होता है वो मतलब सेक्शन 47 के अंदर RBI जो एक्ट है उसके अंदर ये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, क्योंकि जो मेलेगाम कमेटी आई थी उसने बोला था कि दे देना चाहिए, क्या करोगे RBI रख के पैसा क्या करेगी, सरकार उसको यूज़ कर लेगी। फिर विमल जलान कमेटी थी, उन्होंने बोला था कि जो सरप्लस पैसा है उसको दे देना चाहिए, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और ये किसके अकॉर्डिंग होता है, RBI एक्ट 1934, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। 49 कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, ये एक्ट के थ्रू है। तो अभी इंक्रीज़ हुआ है, ग्राफ वगैरह ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेटी इंपॉर्टेंट है, और ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफ़र करते हैं, टैक्स कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांजिशन फ्रॉम लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट LIBOR। व्हाट इज़ LIBOR, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि LIBOR क्या है, बस। ये फर्जी की बातें हैं यार, ये फेज आउट वो सारी चीज़ें, ये नहीं पूछेगा UPSC अबाउट LIBOR, ऐसे पूछेगा LIBOR, MIBOR ये क्या है, बस आपको बताना है कि LIBOR इज़ ए ग्लोबल बेंचमार्क
इंटरेस्ट रेट एट विच मेजर ग्लोबल बैंक्स लेंड टू वन अनदर, बैंक आपस में एक दूसरे को लेंड करते हैं इन इंटरनेशनल इंटरबैंक मार्केट इन शॉर्ट टर्म लोन, दिस इज कॉल्ड, ऐसे चार स्टेटमेंट देगा और यही स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करके टिक मार देना है कि वॉट इज लाइबोर, यू हैव टू जस्ट अवेयर अबाउट दिस, बस बाकी डिटेल में नहीं जाना है। एक छोटा सा फैक्ट है, बहुत लेस इंपॉर्टेंट है, जस्ट देख लो, लाइबोर वॉज कैलकुलेटेड 5 करेंसी 2021 के पहले, US डॉलर, यूरो, पाउंड, स्विस फ्रांस, जैपनीज, याद नहीं करना है। अभी क्या है, इन्होंने अनाउंस किया है फेज रोल आउट इन मार्च 2020, ओनली US डॉलर जो है वो अलाउड है, तो अभी सिर्फ US डॉलर के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। अभी देखते हैं इसमें इंडियन ट्रांजिशन सिनारियो, तो एक वर्ड है कीवर्ड, देखो कीवर्ड यूपीएससी पूछता है ना कि ये क्या है वो क्या है ऐसे करके, तो ऐसे डाल देंगे कि अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट इज रिलेटेड टू व्हाट, आरबीआई की कोई इनिशिएटिव है या लाइबोर से रिलेटेड, क्या है ये, इट्स सिस्टम अल्टरनेटिव रेफरेंस रेट दैट अलाउस बैंक टू चूज रेट फ्रॉम ए बास्केट ऑफ करेंसीज रेदर देन ब्रिटिश पाउंड फॉर इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बस इतना आपको पता होना चाहिए ये कीवर्ड का, आपको बस पहचान लेना है वहाँ पे अगर उन्होंने चार चीज़ें बोली, ऐसे आपको करंट अफेयर्स अप्रोच करना है, समझना नहीं है, बस ये जो अल्टरनेटिव रेफरेंस है ये इस चीज़ से रिलेटेड है लाइबोर वगैरह से, और उसमें ये स्टेटमेंट है, मुझे बस पहचानना है, इतना अगर इतना भी सोच लिया जितना मैंने बोल दिया ना तो आप वहाँ इजिली सब मतलब पहचान लोगे, बस यही इंपॉर्टेंट है। एक फॉल बैक क्लॉज है, ये भी लाइबोर से रिलेटेड है, तो RBI पुशेस इंसर्शन ऑफ फॉल बैक क्लॉजेस इन ऑल रिमेनिंग लेगेसी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट रेफरेंस टू द लाइबोर और माइफोर। सो फॉल बैक क्लॉज, UPSC कहेगा फॉल बैक क्लॉज वॉज इन न्यूज रिलेटेड टू वॉट, RBI ने कुछ ऐसे बैंकों के लिए बोला है, RBI ने कुछ लाइबोर से रिलेटेड बोला है, तो बस आपको वहाँ पे पहचानना है। फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या है, वेरी मतलब लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप सोचो इकोनॉमिक्स में इतनी 15 सवाल पूछते हैं उसमें से 7-8 स्टैटिक्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, 6-7 करंट अफेयर्स पूछते हैं, 6-7 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन उसमें भी स्टैटिक स्टेटमेंट डालते हैं, तो उसमें वो यार थोड़ी प्रायोरिटी वाली चीज़ें पूछेंगे ना जो बहुत न्यूज़ में रहता है, जैसे मान लो RBI वाले हमने डिस्कशन की या बैंक से रिलेटेड है, ना कि ऐसे अंटशंट कुछ भी, फिर भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडियाज़ प्राइवेट लिमिटेड, सो इट वॉज फॉर्म इन 2014 एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट, सो स्टेटरी बॉडी है, कौन कौन ओन करता है, FIM MDA फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट और FEDA फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन IBA, तो UPSC जब ऐसे इंस्टीट्यूशन के नाम देता है तो जनरली गलत ही होता है, हमें वैसे भी पता है और याद भी नहीं कर सकते। अब ये सारी चीज़ें कहाँ तक ऐसे से छोटे छोटे इतने सारे हो जाते हैं, सभी इन्वायरमेंट मिला के इकोनॉमिक्स मिला के इम्पॉसिबल हो जाता है सबको याद रखना, और एग्ज़ाम प्रेशर में चीज़ें याद भी नहीं रहती, तो बी प्रैक्टिकल, ये मुझे भी नहीं याद रहती, उसके बाद भी आप 120 प्लस ला सकते हो, तो उतना घबराना नहीं है, ऐसे मत सोचो कि परफेक्शन की तरफ नहीं जाते कि सब कुछ याद हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, इट्स एम टू डेवलप एंड एडमिनिस्ट्रेट बेंचमार्क रिलेटेड टू मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज में, इसको रेगुलेट कौन करता है, RBI, इसीलिए थोड़ा सा हमने देख लिया इसके बारे में, बस एक नज़र देखना है, इम्पॉर्टेंट कुछ खास नहीं है। पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ते, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, RBI एंड बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इनोवेशन हब ऑर्गेनाइज G20 टेक स्प्रिट 2023 टू प्रमोट इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर इम्प्रूविंग क्रॉस बॉर्डर, तो ऐसे पूछ लेगा G20 टेक स्प्रिट 2023 वॉज इन न्यूज रिलेटेड टू वॉट, इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर इम्प्रूविंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, बस ये यही इंपॉर्टेंट है, बाकी टाइप्स क्या होते हैं ये करंट थोड़ी ना यार उसके बीच में आगे एक्सटेंड करके पूछ लिया। स्विफ्ट आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म स्टेट में आता है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, तो एक तरीका है जिससे ट्रांजैक्शन होता है, पूरा डेटा रिकॉर्ड करता है, अभी रशिया को इसी से निकाल दिया था, तो यही है ना कि हम डिपेंडेंट रहते हैं, स्विफ्ट दैट इज रिलेटेड टू द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम स्विफ्ट। अब सिग्निफिकेंस क्या है क्रॉस बॉर्डर का, क्या क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इसीलिए ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ मेज। हमें एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि जो UPI है इंडिया का वो कौन कौन से कंट्री ने एक्सेप्ट किया है, ऐसे पूछ लेगा UPSC की UPI, क्योंकि बड़ी चीज़ है ना, इंडिया का इनोवेशन है, तो किस किस कंट्री ने उसको एक्सेप्ट किया है, 6-7 कंट्री देंगे आपको उसमें रिकॉग्नाइज करना, तो सिंगापुर है, सिंगापुर सिटी बहुत फेमस है, पोर्ट के किनारे है, पूरी इकोनॉमी पोर्ट पे बेस्ड है,
कोस्टल जो स्टेट है, देखो आप मलाया पेंसुला के आगे देखोगे जो मलक्का स्टेट है तो वो कोस्ट के पास है सिंगापुर, इसीलिए मैंने थोड़ा डिटेल बताया ताकि आप सिंगापुर याद रखो। फिर यूएई, दुबई, ये आपको याद रखना चाहिए। देन मॉरिशस घूमने जाते हैं, यहाँ के जो प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री इंडियन है शायद। देन नेपाल अपना पड़ोसी भूटान, नेपाल भूटान तो रहेंगी, मॉरिशस भी रहेगा क्योंकि इंडियन लिंक है। यूएई दुबई से हमारे रिलेशन अच्छे हैं, सिंगापुर है तो इन्होंने एक्सेप्ट किया है यूपीआई, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बस सेबी के बारे में है, रिसेंटली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्लेटफॉर्म ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या है? इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एसेस। तो ये क्या है, इसका मतलब रिड्यूस रिस्क फेस बाय द इन्वेस्टर इवेंचुअली ऑफ टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो भी होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसको कौन डेवलप किया जॉइंटली बाय एससी, बीएससी, एनएससी, एमसीएक्स, ये 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 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं। इम्पॉर्टेंट है सेबी। सेबी क्या है, तो कब बना था, 1988 में। स्टेटरी बॉडी है, इन द ईयर 1992, इस्टेब्लिश इन 1988 एंड मेड स्टेटरी बॉडी। तो जब ये बना था तभी स्टेटरी नहीं था, बाद में इसको स्टेटरी बनाया गया 1992 में, एज पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड एक्ट। तो एक्ट आया था 1992 में, तभी जाके स्टेटरी बना था। इसमें 9 मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 जो है वो फुल टाइम मेंबर होते हैं, 4 जो है पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ए बोर्ड मेंबर इज अपॉइंटेड बाय द आरबीआई एंड 2 बोर्ड मेंबर बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इतना डिटेल में नहीं, बस इतना पता है ना कि जो एक्ट है स्टेटरी बॉडी है बस। और एक चीज़ ये कि ये क्वाजी लेजिस्लेटिव एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी, किसके पास जुडिशियल पावर भी है। क्वाजी जुडिशियल हम लोग पढ़ते हैं ना, क्वाजी फेडरल, तो ऐसे ये क्वाजी जुडिशियल है, किसके पास पावर भी है। अब कीवर्ड देख लेते हैं, रिसेंट इनिशिएटिव, बस कीवर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट। रिवाइज टाइमलाइन फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो यू पी एस सी बोलेगा T+3 क्या है, वॉज इन द न्यूज़। सो T+3 क्या है कि जो अभी IPO वाला टाइम था वो 6 दिन में करते थे, अभी उन्होंने 3 दिन कर दिया है। सेबी हैज़ हाफ द टाइम ऑफ IPO लिस्टिंग कंपनीज फ्रॉम 6 days to 3 days, कि अभी 3 दिन में सिर्फ लिस्ट कर देंगे स्टॉक मार्केट में। T3 रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट। BRSR कोर फ्रेमवर्क नहीं इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों कचरा डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। फ्रेमवर्क है फॉर एश्योरेंस एंड ESG डिस्क्लोजर फॉर वैल्यू चेन, सेबी का, सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है। रिलेटेड टू सेबी, कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड है, इतना याद आ गया, आप कर लोगे। ये सब बिल्कुल मत जाना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ नहीं पूछेगा, और अगर पूछ भी लेगा तो इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि आप रिकॉल कर लो एग्जाम हॉल में। तो बी लिटिल बिट प्रैक्टिकल, और वैसे पूछता नहीं है, मैं आपको लास्ट 10-12 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत बारी मैंने किया PYQs, तो मुझे पता है नहीं पूछता, तो आप थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो। हाँ, डब्बा बॉक्सिंग ट्रेडिंग क्या होता है, इनफॉर्मल ट्रेडिंग होती है स्टॉक ट्रेडिंग होती है स्टॉक मार्केट के बाहर। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इशू नोटिस नेमिंग इनटाइटल एंटिटी सॉरी इन्वॉल्व इन डब्बा ट्रेडिंग। सो इनफॉर्मल ट्रेडिंग होती है आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ स्टॉक मार्केट, तो पकड़ा नहीं जाता, और इससे क्या होता है कि मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं होता, टैक्स नहीं मिलता। सो इट इज़ रिकॉग्नाइज एज ऑफेंस किसमें, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेटर एक्ट 1956। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, वो पूछेंगे डब्बा ट्रेडिंग क्या है, व्हाट इज़ डब्बा ट्रेडिंग, तो आउटसाइड जो स्टॉक मार्केट में होता है इनफॉर्मल तरीके से, दैट इज़ डब्बा ट्रेडिंग। FPI के बारे में पढ़ते, FDI, FPI UPSC का फेवरेट है, तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो जो सेबी है उसने रिलीज़ किया है कंसल्टेशन पेपर टू फ्रेमवर्क फॉर मैंडेटिंग एडिशन डिस्क्लोजर फॉर्म आइडेंटिफाइड हाई रिस्क फॉरेन पोर्टफोलियो। क्या है ये, तो अभी ये सोचो कि FPI जो होते हैं, अभी हम डिफरेंस देख लेंगे, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, अभी इतना जानो कि जो FPI उसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी करता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू भी होता है, FEMA एक्ट के थ्रू होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इसके थ्रू भी होता है। तो अगर UPSC दे रहा है कि किसके किसके अंडर आता है, तो FEMA है, PMLA है, सेबी है, तो तीनों सही हो जाएगा। अब कंपैरिजन करते हैं FDI और FII के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थीम है UPSC का, तो कभी भी आप FDI FII के बारे में पढ़ रहे हो तो उसको ध्यान देना। तो FDI रिफर टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर टू ऑब्टेन सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द इंटरप्राइज लोकेटेड इन ए कंट्री। तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, पूरी इंडस्ट्री आती है, दैट इज़ पार्ट ऑफ FDI। FPI में सिर्फ पैसा लगा देते हैं स्टॉक मार्केट में, दैट इज़ ऑल्सो हॉट मनी, पैसा लगाया कमाया निकल गए, पैसा लगाया कमाया निकल गए। तो इसीलिए निर्मला सीतारमन जी ने अभी तारीफ की थी रिटेलर्स की, रिटेलर्स मीन्स इंडियन जो जैसे हम लोग हैं इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में,
तो उन्होंने बोला था कि पहले क्या था कि FPI वाले फॉरेन वाले आते थे, खूब पैसा हजारों करोड़ लगाते थे, उठा देते शेयर मार्केट, अचानक से भाग जाते थे, शेयर मार्केट क्रैश हो जाती थी। लेकिन अभी इंडिया में रिटेलर इतने बढ़ गए ना, हम जैसे लोग हर सबके पास ग्रो अकाउंट है, सब कोई 10,000 5,000 सब इन्वेस्ट करके रखें, तो हमने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट कर दिया, तो FPI वाले का इन्फ्लुएंस कम हो गया, तो भाग भी जाते तो स्टॉक मार्केट उतना गिरता नहीं है। तो इसीलिए ये थोड़े से मतलब वैसे नहीं होते कि इंडस्ट्री लगा रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एक्टिव इन्वेस्टर हैं, पैसिव इन्वेस्टर हैं, ये डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, डिफेंस में, कुछ वैसे ही इनडायरेक्ट हैं, ये हाई कंट्रोल है, डिग्री ऑफ कंट्रोल इसको बहुत लो होता है, देन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, वेरी शॉर्ट टर्म, पैसा लिया अपना बनाया निकल गए, ये वोलाटाइल होते हैं। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, बेसिक आइडिया हमें, अब इशूज़ आइडेंटिफाइड विद द FPI। तो एक चीज़ याद रखना, सरकमवेंशन ऑफ प्रेस नोट, PN3, UPC बोलेगा PN3। PN3 क्या है? तो PN3 मीन्स रिक्वायर्ड दैट एन एंटिटी ऑफ ए कंट्री दैट शेयर्स द लैंड बॉर्डर विद इंडिया कैन इन्वेस्ट थ्रू ओनली गवर्नमेंट्स रूट। अभी हुआ था ना चाइना, जब कुछ ऐसे इशूज़ हो रहे थे कोरोना के टाइम पे, तो हमने ये कर दिया था, क्योंकि कोविड के टाइम चाइनीज़ कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही थी, इंडियन कंपनी में अपने शेयर एक्वायर कर रही थी, तो इसीलिए हमने जो चाइना को डायरेक्ट लिख नहीं सकते, तो हमने बॉर्डरिंग नेशन बोल दिया कि अगर कुछ है तो गवर्नमेंट के रूट के थ्रू होगा, चेक बैलेंस होगा, तब उसको अप्रूव करेंगे, तब चीज़ें आएंगी। लेकिन ये जो PN3 डज नॉट अप्लाई टू FPI इन्वेस्टमेंट, वो सिर्फ FDI के लिए था, FPI के लिए नहीं था, तो हमारे लिए कंसर्न है, तो उसी की बात कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस PN3 इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, जो आसपास के बॉर्डर नेशन है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू आएंगे, कीवर्ड इंपॉर्टेंट, बाकी ये सारी चीज़ें नहीं। कॉरपोरेट डेप्ट मार्केट, रिसेंटली SEBI रिलीज फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क है ये भी, कुछ ऐसे अप्रूव नहीं हुआ है, तो न्यूज़ ही ये बेकार है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं स्टैटिक पोर्शन के लिए। रोल आउट कॉरपोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड, तो क्या है ये? अल्टरनेटिव फंड है, विल परचेज इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉरपोरेट डेप्ट सिक्योरिटी ड्यूरिंग मार्केट स्ट्रेस, वो अपना लोन उठा सकते हैं। एक चीज़ इसमें देख लेना कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं ना, उनको मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फंड शैल बी मैंडेटरी फॉर स्पेसिफिक डेप्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। इनिशियली 15 साल के लिए था, और ये मतलब एक्सटेंड भी हो सकता है पर SEBI मैंडेट, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट इग्नोर। ये समझ लो कि जो कॉरपोरेट बॉन्ड होता है, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट डेप्ट मार्केट होता है, कॉरपोरेट डेप्ट मार्केट होता है। तो जो कॉरपोरेट डेप्ट मार्केट होता है, जो प्राइवेट के लिए होता है, कि जो पैसा उठाना चाहते हैं, वो कौन रेगुलेट करता है? SEBI। क्योंकि क्या हुआ था कि रेगुलेशन ज्यूरिसडिक्शन बिटवीन SEBI एंड RBI क्लैरिफाई हुआ था 2000 में। तो जो कॉरपोरेट डेप्ट है वो SEBI करेगा, प्राइवेट वाला, और जो मनी मार्केट है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो कौन करेगा? RBI करेगा। तो SEBI प्राइवेट से रिलेटेड है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन मनी मार्केट दैट इज रिलेटेड टू द RBI। और एक चीज़, स्टेटस ऑफ मार्केट इंडिया आउटस्टैंडिंग कॉरपोरेट बॉन्ड एज परसेंटेज ऑफ GDP इज अराउंड 17%, साउथ कोरिया इनसे सबसे बहुत ज़्यादा कम है, पूछेगा नहीं, बट एक रफ आइडिया कि हाँ थोड़ा लेस है। अभी देखते हैं इन्वेस्टर सर्विस फंड, जो चीज़ें मैं इग्नोर कर रहा हूँ ना, नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। आप अपना एनर्जी वेस्ट करोगे, आप अपना रिसोर्स वेस्ट करोगे, इससे अच्छा है लक्ष्मीकांत के रट्टा मान लो, इससे अच्छा है आप थीम बेस्ड चीज़ें, इन्वायरमेंट में एक्ट वगैरह वो देख लो, जहाँ से बार बार सवाल पूछते हैं, अपने स्टैटिक पोर्शन अच्छे से कर लो। करंट को स्टैटिक जैसे नहीं पढ़ सकते आप, करंट करंट के लिए पढ़ते हैं कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाए, कि मान लो कुछ ऐसी चीज़ें मियावाकी टेक्निक, तो आपको पता हो, डिटेल में सब चीज़ नहीं पढ़ते। डिटेल में पढ़ना है तो आप स्टैटिक करिए, क्योंकि स्टैटिक ही आपको क्वालिफाई कराएगा। इन्वेस्टर सर्विस फंड एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड क्या है? दैट इज रिलेटेड SEBI, बस। इन्वेस्टर सर्विस फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, ये गाइडलाइन है। गाइडलाइन कभी मतलब एक्ट के बारे में पूछ नहीं रहा, सरकार के एक्ट के बारे में गाइडलाइन वगैरह से थोड़ी ना पूछेंगे, वो भी गाइडलाइन क्या है, ऐसे कुछ UN की तो है नहीं, कुछ स्पेसिफिक चीज़, कुछ नया इनिशिएटिव, दैट इज रिलेटेड SEBI। तो इन्वेस्टर सर्विस फंड, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, दैट इज रिलेटेड टू द SEBI स्टॉक मार्केट, बस इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी कचरा है, कॉपी पेस्ट। मैं तो कभी ना अप्रूव करता ये सब, इसका कोई मतलब नहीं है, पढ़ना ही मत, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये पता होना चाहिए क्या है, व्हाट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। रिसेंटली सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अप्रूव सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी इन द फ्रेमवर्क ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज, वो सिंपल पूछेंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, तो ऐसी चीज़ें जो इन्वेस्ट करते हैं किसमें, इरेडिकेटिंग हंगर पावर्टी माल न्यूट्रिशन इन इक्वालिटी प्रोमोटिंग एजुकेशन, उसी को बोलते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सोशल स्टॉक एक्सचेंज।
विजन वगैरह जब मॉक टेस्ट में पूछते हैं सिर्फ इतना ही पूछते हैं व्हाट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज, और यूपीएससी पूछेगा तो इतना ही पूछेगा, ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर थोड़ा यूपीएससी में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थीम है और यहाँ से सवाल पूछते भी हैं। तो क्या है, इंडियन रुपीज़ वैल्यूएशन अगेंस्ट करेंसी ऑफ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैज सर्ज नियर टू ईयर हाई ऑन सर्टेन बैंक इंटरवेंशन एलिवेटेड डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। अब देखो यहाँ एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, यहाँ स्टैटिक पूछेंगे कि रुपी का एप्रिसिएशन होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, डिप्रिसिएशन होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे अप्रिसिएशन हो सकता है, कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो यहाँ आपकी स्टैटिक चीज़ें कि आप कितना समझ रहे हो, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन क्या है, अप्रिसिएशन क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन में इम्पोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, एक्सपोर्ट पे क्या असर पड़ेगा, तो वो सारे इंटरेस्ट रेट पे क्या पड़ेगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से हुआ, जैसे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, कैपिटल फ्लो, मनी सप्लाई, इन सब चीज़ों की वजह से हुआ। अब यहाँ थोड़ा सा रीर और नीर के बारे में देख लेते हैं। तो नीर क्या होता है, नॉमिनल, नॉमिनल पे बात होती है, इसमें क्या होता है, इन्फ्लेशन ऐड होता है। नीर इज़ ए वेटेज ऑफ एवरेज बायलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट होम करेंसी इन टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। कुछ बास्केट ऑफ करेंसीज होते हैं उसके कंपेयर में हम चेक करते हैं इंडिया की वैल्यू, तो अप्रिसिएशन हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, उस हिसाब से हम चेक करते हैं एक्सचेंज रेट। एक्चुअली दिस इज एक्सचेंज रेट, नॉमिनल मीन्स इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, रियल एक्सचेंज रेट वेटेज एवरेज ऑफ नॉमिनल एक्सचेंज रेट एडजस्टेड फॉर रिलेटिव प्राइस डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्री, दैट इज रीर, दैट इज रीर। आया था 2022 में, पहला ही सवाल था। एक चीज़ याद रख लेना कि ये जो ग्रेशम लॉस है, ग्रेशम लॉस ये किससे रिलेटेड है, ग्रेशम लॉ किससे रिलेटेड है, सो दैट इज रिलेटेड टू द एक्सचेंज रेट, दैट इज रिलेटेड टू द एक्सचेंज रेट। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब इफ़ेक्ट क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट। तो अगर इन्फ्लेशन होगा, सी इन्फ्लेशन, अगर ओवर वैल्यूड करेंसी होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, नो सॉरी रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन, एंड ओवर वैल्यूड करेंसी कैन कॉन्ट्रीब्यूट लोअर इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड। अगर हमारे हमारे जैसे करेंसी पावरफुल है, द पावरफुल करेंसी मतलब वॉट, कि अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं कोई चीज़ तो हमारे लिए सस्ती हो जाएगी। अगर करेंसी वीक है तो इम्पोर्ट हमारे लिए महंगा रहेगा, एक्सपोर्ट सस्ता रहेगा। एक्सपोर्ट करेंगे कोई चीज़ इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी, चीप रहेगा, खूब बिकेगा, फिर हम तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है जब करेंसी डिप्रिशिएट करती है, जब उसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन जब ज़्यादा होती है तो रिवर्स हो जाता है कि हम मान लो तेल मंगा रहे हैं तो हमें कम पैसे देने पड़ेंगे ज़्यादा तेल लाने के लिए, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन कम होगा क्योंकि हम ज़्यादा पैसे नहीं दे रहे हैं। पहली चीज़ इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, सेंट्रल बैंक में रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेंथनिंग करेंसी बाय लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो इसका मतलब क्या, कि मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पैसे की वैल्यू घटेगी, डिमांड सप्लाई डॉलर और रुपये की चलती रहती है कॉम्पिटिशन। अगर रुपये कम है डॉलर ज़्यादा है तो रुपये अप्रिशिएट करेगी, अगर डॉलर डॉलर कम है रुपये ज़्यादा है तो ये डिप्रिशिएट करेगा। तो अप्रिसिएशन की मीन्स क्या, अप्रिसिएशन मीन्स कि रुपये बहुत ज़्यादा है तो अगर हम इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे तो और ज़्यादा रुपये आ जाएगा तो इसकी वैल्यू घटेगी, डिप्रिशिएट करेगा। तो यही चीज़ है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पे। इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड करता है कॉन्सिक्वेंटली डिक्लाइन ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर पूछ लिया ना नेसेसरली तो हम कहना मुश्किल हो जाएगा। अगर कह रहा है यूपीएससी कैन भी, तो हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े भी, हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ घटे भी, बट जनरली ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन करती है। ट्रेड पे क्या असर पड़ेगा, इम्पोर्ट अट्रैक्टिव हो जाएगा, हम ज़्यादा इम्पोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट नहीं अट्रैक्टिव होगा क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएंगी इंटरनेशनल मार्केट में, तो नॉट वेरी गुड फॉर अस। कैपिटल फ्लो, यस स्ट्रॉन्ग करेंसी में अट्रैक्ट मोर FDI डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एज इन्वेस्टर सीक्स हायर रिटर्न ड्यू टू करेंसी अप्रिसिएशन। तो ये थोड़ा सा फैक्ट आप याद कर लेना, थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लिया। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, तो 2015 में आया था हमने 450 बिलियन ट्रेड की बात करी थी, अभी वो 2023 तक एक्सटेंड हो गया था क्योंकि कोरोना की वजह से। तो अभी नया है उसमें क्या है थोड़ा देख लेते, नई पॉलिसी है तो वही बता रहे हैं कि जो 2015 से 20 था उसको एक्सटेंड कर दिया था 2023 से। और इंडिया हैज़ रीच रिकॉर्ड हाई एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये डेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पुराना है शायद 2022-23 का,
एक बार अपडेटेड आएगा तो देख लेना। तो हमारा टारगेट क्या है, $2 trillion फॉर गुड सर्विस 2030। वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, इसको याद कर लेना। 450 था पहले, अभी 2 trillion कर दिया। अगर हम इंडियाज एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ की बात करें तो हम पेट्रोल सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। पेट्रोल, सरप्राइज मत होना, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं सबसे ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स दूसरे पे आता है, तीसरे पे आता है राइस, आया था 2019 में। केमिकल चौथे पे है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल पाँचवें नंबर पे। अब टॉप इम्पोर्ट सोर्सेस नेशन कौन से हैं, चाइना है, यूएई है, यूएसए है, रशिया है। इंडिया टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन है, यूएसए है, यूएई है, नीदरलैंड है, चाइना है। तो याद कर लेना, इम्पोर्ट चाइना सबसे ज़्यादा करते हैं, फिर यूएई दुबई से, फिर यूएसए से करते हैं, फिर रशिया से करते हैं। और एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, यूएसए में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, यूएई दोनों पे कॉमन है। थर्ड पे नीदरलैंड, मतलब थोड़ा सरप्राइजिंग है, वो ध्यान रखना, नीदरलैंड बहुत अच्छा खूबसूरत शहर है। और चाइना जो है वो चौथे नंबर पे। फिर ट्रेड फैसिलिटेशन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस FTP 2020, तो कीवर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ WTO's ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। तो ये जो एग्रीमेंट था ये 2017 में आया था, एड्रेस द इशूज़ ऑफ रेड टेप। रेड टेप मतलब जो मतलब रास्ता रोकते हैं एक तरीके से ट्रेड वगैरह में, क्रॉस बॉर्डर जो अपना टैक्स वगैरह लगाते हैं, बैरियर्स लगाते हैं, तो रेड टेप हटाने के लिए क्रॉस बॉर्डर एंड स्ट्रीम लाइन द मूवमेंट ऑफ द गुड्स। तो उसी के लिए एक इनिशिएटिव है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये आप लोग एक बारी कमेंट में बताना कि ये जो बॉडी बनी है किस चीज़ को रिप्लेस किया है। जब मैं पहला या दूसरा अटैम्प्ट दे रहा था तो रिप्लेस करके ये बनाया गया है, तो बताना पहले कौन सी थी। फैसिलिटेटर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, निर्यात बंधु स्कीम इसी से रिलेटेड है। ये सारे कीवर्ड्स हैं। इनिशिएटिव टेकन किस लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट है 2 trillion। तो अभी क्या क्या इनिशिएटिव है, ऑल द बहुत इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड्स याद रखो। निर्यात बंधु इससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड जिसमें 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक होंगे, 10 थोड़ा फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज़ मैंडेटरी फॉर अंडरटेकिंग एनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्टिविटीज़, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। देन एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव, और क्या क्या है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव है, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड कैपिटल गुड्स स्कीम है। इसमें क्या होगा, इंपोर्ट ऑन कैपिटल गुड एट 0% ड्यूटी, इट अलाउ द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट 0% ड्यूटी, क्योंकि कैपिटल चीज़ें क्या, इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से, तो फ्यूचर में ग्रोथ ही होगी। और क्या क्या है, और ऐसे कुछ है नहीं, तो यह पूरा इग्नोर कर दो, ये सब दिमाग खाते हैं, मैं इन सब चीज़ों से बहुत परिचित हो चुका हूँ, कभी नहीं आते। मॉक टेस्ट में अगर आप विजन के मॉक टेस्ट लगाओगे तो शायद उसमें पूछ लें, लेकिन उनको 4000 क्वेश्चन बनाने होते, तो आप उन सब चकल मतलब उनके चंगुल में मत आना। डीम एक्सपोर्ट क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डीम एक्सपोर्ट, वन सेकेंड डीम एक्सपोर्ट। सी ये ए है और ये बी है, इसको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है कोई आइटम, इसको वही आइटम इम्पोर्ट करना है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ए बी यहाँ पे, इसको एक्सपोर्ट करना है, इसको इम्पोर्ट करना है, सेम आइटम है, तो क्या करते हैं कि आप मतलब बाहर ना जाके यहीं पे एक्सचेंज कर लेते हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात। देखो, डीम एक्सपोर्ट रिफर टू दोज ट्रांजेक्शन विच गुड सप्लाई डू नॉट लीव द कंट्री एंड पेमेंट फॉर सब सप्लाईज रिसीव आइदर इंडियन रुपी और फ्री फॉरन एक्सचेंज। तो मतलब इनको एक्सपोर्ट करना है, इनको इम्पोर्ट करना है, हमने यहीं पर एक्सचेंज कर लिया, बाहर गया ही नहीं माल, दैट इज़ कॉल्ड डीम एक्सपोर्ट, दैट इज़ कॉल्ड डीम एक्सपोर्ट। तो ये मेक इन इंडिया के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है ताकि हम इसको और बढ़ाएं, बस ये इतना आपको समझना है। अदर की इनिशिएटिव क्या है फॉरेन ट्रेड के लिए, ई कॉमर्स हब बनाया गया है, फिर प्रमोशन ऑफ ई कॉमर्स एक्सपोर्ट थ्रू पोस्टल रूट, जैसे डाकघर निर्यात केंद्र, हर जगह छोटे छोटे गाँव में डाकघर निर्यात केंद्र हो गए, उसको इकट्ठा करके हम एक्सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये दो कीवर्ड इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एडवांस ऑथराइजेशन क्या है, व्हाट इज एडवांस ऑथराइजेशन, यूपीएससी पूछेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कुछ यहाँ से सवाल बन सकता है तो ये बनेगा। इंपोर्ट अंडर एडवांस ऑथराइजेशन आज एग्जेम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एजुकेशन सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ट्रांजिशन प्रोडक्ट स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी, वेयर एवर अप्लीकेबल। तो मतलब एकदम पूरा छूट दे देते हैं, एडवांस में इन्होंने ऑथराइज कर दिया, तो कुछ होगा इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में, इसीलिए करते होंगे, कुछ फ़ायदे होंगे, तो ये इस पे सारी चीज़ों से एग्जम्पशन मिलता है। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कस्टम ड्यूटी क्या होते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होते हैं, काउंटर वेलिंग क्या होते हैं। एंटी डंपिंग क्या, कि चाइना मान लो कोई प्रोडक्ट
डंप कर रहा है, सस्ते में बेच रहा है इंडिया में, तो एंटी डंपिंग लगा दिया, काउंटर वेलिंग दूसरा है। तो थोड़ा सा इसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अथोराइजेशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अथोराइजेशन शैल बी एग्जेम्प्टेड ओनली फ्रॉम पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एग्जेम्प्शन है, यहाँ पे जो है ओनली फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटीज। अब ये स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स RODTEPS, ये भी आया था 2020 में शायद। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिफंड करंटली अनरिफंडेड ड्यूटीज टैक्सेस लिवाइस एट सेंट्रल स्टेट एंड लोकल लेवल बॉर्न ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो वो वापस करवाएंगे। अब आप मेरे को एक चीज़ ये बताओ कि जो RODTEP आया है ये किस चीज़ को रिप्लेस करके आया है? पहले कुछ दूसरा था जो वायलेट कर रहा था WTO की गाइडलाइन को, अभी इसीलिए इसको लाएं। तो क्या था प्लीज़ कमेंट में बताइए, चेक करना है कि नॉलेज आपका कितना है। अब ये जो नोटिफाई किया गया है किसके द्वारा किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, कौन इसको एडमिनिस्ट्रेटर करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, नोटिफाई किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब एक चीज़ यहाँ देख लेते हैं, स्पेशल केमिकल ऑर्गेनिज्म मटेरियल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, तो SCOMET लिस्ट, इसका मतलब क्या है? इट इज़ इंडियाज नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट। तो इसके अंदर जो आइटम है रेगुलेटेड बाय वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 2005। तो इंपोर्टेड गुड्स कवर अंडर SCOMET लिस्ट आर नॉट परमिटेड टू एक्सपोर्ट, मतलब आप इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंपोर्ट करना है तो हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ऑल दो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, बाकी डीम्ड ये कीवर्ड इम्पॉर्टेंट है और बाकी ऐसा कुछ है नहीं, तो इग्नोर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव साइनिंग रेटिफिकेशन ऑफ बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद यूनाइटेड अरब UAE, UAE दुबई से हमने क्या साइन किया? बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हम आपके कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो एक दूसरे की देखभाल करेंगे, वही इसका मतलब है, बाकी कुछ नहीं। टाइप्स ऑफ कितने होते हैं FTA? इकोनॉमिक यूनियन, मैं इस फॉलोइंग में हो सकता पूछ ले, इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक एंड यूनियन, कॉमन मार्केट वेयर मेंबर्स इंटीग्रेटेड मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। कॉमन मार्केट क्या है? कस्टम यूनियन वेयर मेंबर्स अलाउड टू मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। कॉमन मार्केट मतलब दोनों के लिए कॉमन है। कस्टम यूनियन, सो मेंबर अप्लाई कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ ऑन नॉन टैरिफ। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मेंबर रिड्यूस टैरिफ ऑन ट्रेड अमंग देमसेल्फ। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, रिड्यूसिंग ड्यूटीज ऑन सर्टेन एग्रीड प्रोडक्ट। तो बेसिक चीज़ें आप पढ़ते ही होगे इसके बारे में। अब FTA जो है वो डिस्क्रिमिनेट करता है WTO के प्रिंसिपल को, WTO के प्रिंसिपल को, लेकिन ऑल दो इसको अथोराइज भी किया गया है, क्योंकि WTO क्या है कि आप किस आइटम पे मतलब कम पैसे में आप बेच रहे हो, कम टैक्स लगा रहे हो, लेकिन तो WTO क्या है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो हमने मान लो इससे साइन कर लिया, तो कुछ प्रोडक्ट कुछ आइटम पे हम कम ड्यूटी कम टैक्स में मतलब बेच रहे हैं और दूसरे कंट्री से हम महंगा बेच रहे हैं, तो WTO में मतलब क्या है कि सबको सेम प्राइस पे आपको बेचना है, तो वायलेट करता है WTO को, लेकिन फिर भी इसको अलाउ किया है। 13 कंट्री से हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं कि टैक्स ही नहीं लगता, टैक्स कम लगता है सेलेक्टेड चीज़ों पर, ये ध्यान रख लेना। कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है। श्रीलंका पूछा भी था 2020 में, यस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा श्रीलंका के साथ। नेपाल है, भूटान है, थाईलैंड है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया, जापान है, मलेशिया है, मॉरिशियस है, दुबई है और ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे क्या नहीं है? USA नहीं है, चाइना तो हो ही नहीं सकता, रशिया नहीं है, तो ये सारी चीज़ें नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। बस 13 कंट्री थोड़ा ध्यान दे लेना, पूछ सकता है और पोटेंशियल क्वेश्चन ये बन भी सकते हैं। अब ग्लोबल ट्रेड बैरियर के बारे में बात करते हैं, क्या है ये? द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्लैग्ड ग्रोइंग फ्रेगमेंटेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड विद ओवर 9-fold इंक्रीज इन नंबर ऑफ ट्रेड कंसर्न 2015 से 2022 तक। तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड बैरियर्स दो टाइप के होते हैं, एक टैरिफ बैरियर होते हैं सिंपली टैक्स बढ़ा दिया, और एक नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं कि टैक्स नहीं बढ़ाते, दूसरी चीज़ें अप्लाई करते हैं, जैसे टेक्निकल सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, कि मुर्गी जा रही है USA में, बोल दिया कि भाई इसमें तो मतलब ठीक ठाक नहीं है, कुछ केमिकल वेमिकल पाए जाते हैं, दैट इज़ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर, WTO में अलाउ भी है, तो उसके जरिए पे अपना मतलब जो एक्सपोर्ट जाता है USA को रोक देते हैं, तो इम्पोर्ट वो बैन करते, कुल मिला के बात यही है।
फिर नॉन टेक्निकल बैरियर जैसे रूल ऑफ ओरिजिन कि भैया कहाँ से आया सामान उसको मुझे दिखाओ तभी हम यहाँ पे आने देंगे, जैसे हम रूल ऑफ ओरिजिन अप्लाई कर देते हैं चाइना के प्रोडक्ट में कि साउथ ईस्ट एशिया से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो हम कहेंगे पहले रूल ऑफ ओरिजिन दिखाओ कि साउथ ईस्ट एशिया का ही है, नहीं पता चला चाइना यहाँ लाया यहाँ से आप यहाँ बेच रहे हो तो एक्चुअल तो मान चाइना का है। तो ये नेगोशिएशन वगैरह चलती रहती, तो ये भी एक तरीका है इम्पोर्ट मतलब रेस्ट्रिक्शन का, तो WTO चेक करता रहता है टाइम टू टाइम। अब ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ट्रेड डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। तो इन्होंने एक रिलीज़ किया रिपोर्ट ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, की फाइंडिंग क्या है वो नहीं जानना है, बस ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये रिलीज़ करते हैं। अब UNCTAD के बारे में बात करते हैं, तो ये इस्टेब्लिश किसने किया था, यूनाइटेड नेशन असेंबली 1964 में। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, 195 मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया। अब ये ट्रेड कौन मतलब कौन कौन से रिपोर्ट पब्लिश करता है ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट पहला, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये भी इन्वेस्टमेंट ट्रेड से रिलेटेड, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, देन अगेन रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। ये थोड़ा सा ध्यान से 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना। अब आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे, WTO के बारे में बात करते हैं। तो क्या कह रहा है, इंडिया अपील अगेंस्ट रूलिंग बाय द WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी दैट वायलेटेड एज जीरो टैरिफ कमिटमेंट अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। तो अबाउट डिस्प्यूट सेटलमेंट एट WTO, दो मेन तरीके हैं डिस्प्यूट सेटल करने के लिए WTO में, पहला तो आप म्यूचुअली एग्री कर जाओ समझौता कर लो पहला है, दूसरा एडजुकेशन इंक्लूडिंग द सब्सिक्वेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैनल ऑफ एपीलिएट बॉडी दूसरा। ये है तीन मेन स्टेजेस है, पहला तो कंसल्टेशन होगा बिटवीन द पार्टीज, अगर दोनों रिजॉल्व नहीं कर पाए तो क्या होगा एक इस्टेब्लिश होगा डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल, फिर एडजुकेशन बाय द पैनल और ये चैलेंज भी हो जाएगा WTO एपीलिएट बॉडी में, तीसरा फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूलिंग। इंपॉर्टेंट नहीं, बस हमने थोड़ा सा ध्यान से देख लिया, WTO थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछते हैं IMF WTO वर्ल्ड बैंक, ये मतलब बहुत बहुत कोर थीम एरियाज हैं UPSC के। उन्होंने IPR के बारे में पूछा है, ये आपको पता होना चाहिए, फिर गैट्स क्या है, ये तो हट ही गया शायद अभी तो नहीं है, ट्रिम्स पे पूछा है 2020 में, फिर फाइटोसैनिटरी मेजर्स पे उस पर पूछा है कि दैट इज़ रिलेटेड, देन ग्रीन बॉक्स एम्बर बॉक्स ब्लू बॉक्स उस पर पूछा हुआ है, देन किसान वाला जो है IPR रिलेटेड इश्यूज उस पर पूछा है। तो WTO के जो अंदर की बॉडीज़ है ना छोटी छोटी वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो हमने देख लिया। अब WTO के बारे में बात करते हैं, इट इज़ द ओनली ग्लोबल फोरम फॉर सेटलिंग द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो मतलब इंटरनेशनल में ट्रेड बहुत अच्छे से होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, इसलिए WTO बनाया गया था। तो ये एक ध्यान रखो यहाँ पे, अभी WTO फंक्शन में इसलिए नहीं करता क्योंकि जब बना था ना 1990s में, उस टाइम पे जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे USA थे तो उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करना था, वो एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्रीज़ थे, तो उस टाइम पे WTO बनाया। अभी क्या है, इंडिया और चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो इनका काम रिवर्स हो गया USA यूरोपियन यूनियन वगैरह का, तो इसीलिए अब WTO का रिलेवेंस ही ख़त्म कर दिया क्योंकि उनका फ़ायदा नहीं हो रहा ना, वो रिवर्स हो रहा है कि चाइना खूब ज़्यादा माल बेच रहा है USA में, वो पहले चाहते थे कि USA का बिके, तो जब तक बेचा अभी इंडिया चाइना मर्ज कर रहे तो रिवर्स हो गया, तो इसलिए WTO को फंक्शन ही सही से नहीं करने देते, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न। तो ओनली फोरम इंटरनेशनल ट्रेड, और ये कब बना था, मराकेश एग्रीमेंट इस्टेब्लिश बाय द WTO साइन 1994 कंक्लूजन थ्रू उरुगे राउंड ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेड यूनियन। सो ये मराकेश एग्रीमेंट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और WTO का सक्सेसर कौन था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गेट्स, तो ये शायद इसमें सिर्फ गुड्स की बात होती थी, यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस दोनों है, देख लेना एक बारी। 164 मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट एट WTO ये लॉन्च हुआ था 2017 में, अभी हमने ऊपर देखा था, इंडिया इसमें नहीं है, इट डज़ नॉट इंक्लूड इंडिया। तो क्या था इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, कुछ इन्वेस्टमेंट है उसको फैसिलिटेट करेंगे। लॉन्च्ड इन 2017 बाय ग्रुप ऑफ डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप कंट्री इन WTO, इंडिया उसका मेंबर नहीं है। अब ये डेवलपिंग कंट्रीज स्टेटस क्या है, तो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि आप डेवलप्ड डिक्लेयर करो डेवलपिंग डिक्लेयर करो, इवन WTO भी नहीं डिफाइन करता, तो ये खुद ही से डिफाइन किया जाता है कि हम डेवलपिंग हैं हम डेवलप हैं, देर इज़ नो UN फॉर्मल डेफिनेशन, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना डेवलप डेवलपिंग है, हम खुद ही डिसाइड करते हैं, इसे बाहर से कोई नहीं करता।
डी डॉलराइजेशन, कि मतलब डॉलर का जो रिलेवेंस है वो कम होना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, दैट इज़ डी डॉलराइजेशन। तो अभी जो ब्रिक्स नेशन है उन्होंने प्रोसेस क्रिएटिंग ए न्यू करेंसी फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, कि हम डॉलर पर डिपेंडेंट कम रहें। अभी एक चीज़ और है, इंडिया एंड मलेशिया ने रुपी में ट्रेड सेटलमेंट के लिए बात की है। तो अगर पूछ ले यूपीएससी ने कौन है, तो मलेशिया है। मलेशिया जहाँ के पहले जो महातीर मोहम्मद कौन थे, मतलब जहर बोलते रहते थे, मलेशिया ही था ना, तो उनसे अभी हमारा रुपी के बारे में, ट्रेड सेटलमेंट के बारे में बात हो रही है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली। फिर वाई डी डॉलराइजेशन, क्योंकि मनमानी चलती से स्विफ्ट रशिया को हटा दिया वहाँ से। अब रशिया के हाथ कट गए तो कैसे वो ट्रेड करेगा इंटरनेशनल, इसको हथियार मंगाना है कैसे बनाएगा। तो वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, तो यूएसए वगैरह उसको मिसयूज़ करते हैं। न्यू इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे इंडिया है, चाइना है, जापान है, तो इंडियन रुपी यून ये सब बढ़ना चाहिए, मैनिपुलेट करता है यूएसए डॉलर को, इसीलिए इंडिया का स्टॉक मार्केट भी गिर जाता है इनडायरेक्टली। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए हम किसी एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते ना। तो सारे रीजंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, बेसिक चीज़ है। अब रेमिटेंस के बारे में देखते हैं। द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली रिलीज माइग्रेशन फॉर डेवलपमेंट ब्रीफ लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन। तो कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज क्या क्या रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ लेवरेजिंग डायस्पोरा फाइनेंस फॉर प्राइवेट कैपिटल मोबिलाइजेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला तो यही कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। अब आते हैं ये करने, डिस्कशन करने। ओके, तो कह रहा है रेमिटेंस अकाउंट फॉर सिग्निफिकेंट चंक ऑफ नियरली 3% ऑफ इंडिया GDP, 3% बोल दिया, मोर देन 10% रॉन्ग, 3%। अब ये देखते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉप थ्री रेसिपिएंट रेमिटेंस इन 2020 इन एब्सोल्यूट नंबर। तो इंडिया सबसे ज़्यादा है, देन मैक्सिको, देन चाइना। मैक्सिको सेकेंड पे है, मतलब सरप्राइज है, लेकिन चाइना के पहले। टॉप थ्री रेसिपिएंट रेमिटेंस इन 2000 एस परसेंट टू द GDP, मतलब अगर 100 रुपये उनकी GDP का है तो उसमें सबसे ज़्यादा मतलब उसी से आता है रेमिटेंस से, तजाकिस्तान, टोंगा एंड लेबनान। देन स्टेट वाइज अगर इंडिया में देखो तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आता है, फिर केरला, केरला में बहुत सारे लोग सऊदी में रहते हैं तो इसीलिए वहाँ ज़्यादा रेमिटेंस आता है। देन थर्ड इज़ तमिलनाडु, और कहाँ से पैसा सबसे ज़्यादा बाहर जाता है, तो यूएसए, देन दुबई, देन यूके, ये तीन कंट्रीज़ हैं, ये आपको ध्यान देना है। ओके, रेमिटेंस एज अ सेकेंड लार्जेस्ट मेजर सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग आफ्टर सर्विस एक्सपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे। तो सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है, नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये हमें थोड़ा सा डिटेल में देखना है, वर्ल्ड बैंक, तो इस पर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो पाँच हैं टोटल वर्ल्ड बैंक में, पहला कौन सा, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इज ए ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव ऑन बाय 189 मेंबर। एज अ लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक वर्ल्ड में, इट सपोर्ट्स वर्ल्ड बैंक ग्रुप मिशन बाय प्रोवाइडिंग लोन गारंटी, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स एडवाइजरी सर्विस, तो पॉजिटिव काम ही करता है। दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक दैट हेल्प पुअरेस्ट कंट्रीज। ये कब बना था, 1960s में बना था। एम टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग जीरो लो इंटरेस्ट रेट क्रेडिट ग्रांट्स प्रोग्राम, वो भी पॉजिटिव चीज़ें। ये दोनों मिलके वर्ल्ड बैंक बनते हैं, IBRD एंड IDA, IBRD एंड IDA, ये दोनों मिलके बनते हैं वर्ल्ड बैंक, और ये पांचों मिलके बनाते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक में दो आते हैं, वर्ल्ड बैंक में IBRD आता है, वर्ल्ड बैंक में डेवलपमेंट एजेंसीज आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ग्रुप में पांच आते हैं। दूसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट, आप इनके ईयर जान लो, क्रोनोलॉजी हो सकता है UPSC पूछ ले, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो ये प्राइवेट सेक्टर आर्म है, प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग देता है ये, इंटरनेशनल फाइनेंस, सो फाइनेंस प्राइवेट, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन देंगे पूरा, और उसमें तीन चार स्टेटमेंट रखेंगे, IDA, इंटरनेशनल फाइनेंस मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटीज एजेंसी, और कुछ दे दिया, तो पूछेंगे क्या है प्राइवेट वाला। तो आप अगर कीवर्ड पता ना प्राइवेट रिलेटेड टू द इंटरनेशनल फाइनेंस, तो आप पहचान लोगे और टिक मार दोगे कि ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की बात कर रहा है। देन मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटीड एजेंसीज वॉज क्रिएटेड टू कम्प्लीमेंट पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इश्योरेंस अगेंस्ट नॉन कमर्शियल रिस्क ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। देन इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब तीसरा फैक्ट हमें ये देखना है कि इंडिया जो है ना इसका मेंबर नहीं है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका मेंबर नहीं है, मतलब 2021-22 तक तो नहीं था, लास्ट दो साल में मुझे नहीं पता, बट देख लेना, मतलब इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो तीन चार फैक्ट हमने डिस्कशन कर लिए इसके बारे में जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़,
जो ISTA बना था वो वॉशिंगटन कन्वेंशन के थ्रू बना था। शिकागो कन्वेंशन किससे रिलेटेड है आप बताओ? शिकागो कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? कुछ उड़ान से रिलेटेड है, एक बार देखना आप। अब की पब्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो रिपोर्ट क्या क्या पब्लिश करता है, ये फिफ्थ फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग मतलब डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, यार ईज ऑफ डूइंग तो हट गया, ये कौन सा डूइंग बिजनेस है आई हैव नो आइडिया। ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, कम्युनिटी मार्केट आउटलुक, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। इसकी लिस्ट बना लो छोटे से पेज में और उसको बार बार रिवाइज करना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, रेमिटेंस स्कीम, आप बाहर जाते हो पैसा खर्च करते हो तो एक लिमिट है, तो क्या कह रहा है? अंडर द RBI लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ इंक्लूडेड द ओवरसी यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड बाय इंडियन रेसिडेंट विद इन द मतलब $2.5 लाख लिमिट है पर फाइनेंशियल ईयर। तो अभी क्रेडिट कार्ड को भी अलाउ कर दिया, पहले क्रेडिट कार्ड अलाउ नहीं था, तो $2.5 लाख तक आप खर्चा कर सकते हो, उसी के बारे में बात हो रही है। अब एक चीज़ यहाँ देख लेना, एप्लीकेशन क्या है, ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू $2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर फॉर एनी परमिशन करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि आप बाहर जाके खर्चा कर सकते हो इवन कैपिटल अकाउंट। देखो इंडिविजुअल किससे परमिशन लेगी अगर इससे ज़्यादा आपको करना है तो RBI से, टू मेक एनी रेमिटेंस अबव द थ्रेशोल्ड। और ये जो स्कीम है ये अवेलेबल नहीं है किसके लिए? कॉरपोरेट के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए, हाउस हो, ये क्या है, HUF, कुछ अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो भी नाम है, और ट्रस्ट के लिए। द रेमिटेंस कैन बी मेड इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो ये ढाई लाख है ये किसी में भी हो सकता है। परमिशन अगर रेमिटेंस की बात करें तो प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, नेपाल एंड भूटान, मुझे बताना रीज़न क्या है इसका, इनको क्यों एक्सेप्ट किया गया, एक्सेप्शन क्यों है? तो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो हमने देख लिया। MCQ बनेगा तो यही से बनेगा और ये यही मेन चीज़ है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज 2021 में पूछा था इसके बारे में, थोड़ा सा मेरी जुबान लड़खड़ा रही है बिकॉज रूट कैनाल हुआ है इसीलिए, तो संभाल के बोलता हूँ। रेटिंग एजेंसीज मूडीज हैज़ अफर्म BAA3 रेटिंग ऑन इंडिया, स्टेट में हो सकता है BAA3 रेटिंग ऐसे पूछ ले बट UPSC में इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या हैं? बहुत क्राइटेरिया पे ये बताते हैं कि कितना मतलब क्या क्रेडिट है, उसी हिसाब से FDI आते हैं, उसी हिसाब से FPI आते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये रेटिंग करते हैं एक तरीके से। ये सारे फैक्टर देखते हैं, पॉलिटिकल रिस्क कितना है, टैक्सेशन, करेंसीज वैल्यू, लेबर्स लॉस, अनदर सॉवरेन रिस्क, ETC। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कौन कंट्रोल करता है? SEBI करती है। 2021 में स्टेटमेंट था RBI करती है, अगर वही आपने एलिमिनेट कर दिया तो आप सीधे आंसर पे आ जाते हैं, तो इट इज़ SEBI। ऐसे दे देंगे क्रिसिल, केयर, ICRA, एक्वा रेटिंग, ब्रिक वर्क रेटिंग, इंडियाज रेटिंग रिसर्च, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये कुछ क्रैकर से बनाने के लिए है, ये कुछ गैलेक्सीज है, ऐसे करके कुछ बोल देंगे, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, बस दिस इज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीज इन IMF कोटा, तो IMF थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूव प्रपोजल इंक्रीज IMF कोटा। IMF कोटा जो उसका फार्मूला क्या क्या है, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी उसको 15% वेटेज दिया जाता है, इंटरनेशनल रिजर्व को 5% दिया जाता है, ओपननेस टू द ग्लोबल इकोनॉमी 30% दिया जाता है और GDP को 50% दिया जाता है, तो इसीलिए USA का सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा GDP है। तो अभी क्या है कि एक न्यू अरेंजमेंट टू बोरो, ऐसे पूछ लिया, न्यू अरेंजमेंट टू बोरो इज रिलेटेड टू द IMF, तो ज़्यादातर हम प्राइवेट से करते थे, तो ये कह रहा है करंटली द फंड रिलाइज ऑन बायलेटरल बोरोइंग अरेंजमेंट एंड प्लेस टू ए क्राइसिस लेंडिंग फंड कॉल्ड न्यू अरेंजमेंट बोरोइंग फॉर नियरली 60% ऑफ इट्स लेंडिंग रिसोर्स। अब IMF कोटा के बारे में बात करते हैं कि जो कोटा होता है ये STR में होता है, द IMF यूनिट ऑफ अकाउंट। अब STR में क्या क्या आते हैं, 2, 3, 4 चीज़ें आती हैं, उसका आप नाम बताइए या तो खुद पढ़िए प्लस उसकी क्रोनोलॉजी देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा किस में है, गोल्ड में है या और किसी चीज़ में, तो STR के बारे में थोड़ा सा अंदर जाके पढ़ना। अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टेट के लिए क्या है कि इंडिया का जो करंटली कोटा है वो 2.75% है, पहले कितना था 2.63, तो इससे इंक्रीज़ होकर कितना हो गया 2.75। UPSC में पूछ सकता है क्योंकि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ये कोटा की बात हो रही है।
अब देखते हैं IMF के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कब बना था? ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में 1944। किसके साथ? ये ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक। कंट्रीज मस्ट फर्स्ट ज्वाइन IMF टू बी एलिजिबल टू ज्वाइन वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो पहले आपको IMF, अगर आप यहाँ से आना चाहते हो तो IMF के रास्ते ही वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आ सकते हो। बिना IMF का मेंबर बने आप यहाँ के मेंबर नहीं बन सकते। तो UPSC हो सकता है रिवर्स कर दे कि बिना वर्ल्ड ग्रुप मेंबर बने आप IMF नहीं बन सकते। नो, पहले IMF है, IM मैं हूँ, उसके बाद फिर आएगा ग्रुप। Washington DC हेडक्वार्टर कहाँ है? Washington DC है। तो IMF has three critical missions: furthering international monetary cooperation, encouraging the expansion of trade and economic growth, discouraging policies that would harm prosperity. 190 कंट्रीज़ है, दो रिपोर्ट इसकी इंपॉर्टेंट है, दो ही रिलीज़ करता है शायद, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन करता है? RBI। ग्लोबल पे कौन करता है? IMF। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक देख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो IMF। तो ये हमने यहाँ तक रिवाइज़ किया। एक चीज़ याद रख लेना कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जानो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। मैं जानता हूँ बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, और मैंने ये चीज़ देखी है ना कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन वो हर चीज़ पढ़ रहे हैं। 50% कोटा इंक्रीज़, ये वो सब कुछ पढ़े जा रहे हैं, सब डिटेल में हाईलाइट करे जा रहे हैं, सब रटे जा रहे हैं, सब इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे अप्रोच करना है, स्मार्ट बनना है। दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट स्ट्रेटजी। विज़न ने कुछ दे दिया, किसी कोचिंग ने कुछ दे दिया, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। UPSC यहाँ से सवाल नहीं पूछता है। आप PYQs देखिए, उस बेस पे अपनी तैयारी करिए, बी स्मार्ट। सब कुछ आप पढ़ोगे तो आप पढ़ते ही रहोगे, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और परेशान अलग होगे, जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न। सो बी स्मार्ट। तो जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं ऐसे ही अप्रोच करना है। इकोनॉमिक ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम इन्वायरमेंट का करेंगे। तो आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है उसी माइंडसेट से, ताकि आप जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर लो। और मैं PDF भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी।